Hello everyone, welcome to Unique Digital Campus. So in the last session I have told you that NABARD notification is out and we are here for the NABARD notification. My name is Pankaj Sharma and start karte hain. Dekho, NABARD stands for National Bank for Agriculture and Rural Development. NABARD is fully owned by Government of India. तो गवर्नमेंट सेक्टर का फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है. हमने डिस्कस भी किया था कि ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की कैटेगरी में आता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट. सो नाबार्ड बेसिकली वर्क ऑन द ग्राउंड लेवल एट द ग्रास रूट लेवल रूरल डेवलपमेंट के लिए और एग्रीकल्चर के लिए. सो इसलिए इसका नाम है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट विच इज फुली ओन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. राइट, तो हम बात करें पोस्ट की. सो जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है असिस्टेंट मैनेजर इन ग्रेड ए. दिस इज ग्रेड ए टाइप पोस्ट एंड असिस्टेंट मैनेजर. तो अगर हम लोगों को एक्चुअली क्या होता है SBIPO के बारे में पता होता है. SBIPO इज ग्रेड वन जॉब. राइट, ऑफिसर स्केल ऑफिसर ग्रेड जॉब. तो असिस्टेंट मैनेजर SBIPO के सेम ग्रेड की जॉब है लेकिन वर्क प्रोफाइल थोड़ा डिफरेंट है. अब यहाँ पे भी आप असिस्टेंट मैनेजर लगते हैं नाबार्ड में. SBIPO में भी आप असिस्टेंट मैनेजर बनते हैं लेकिन वहां पे आप प्रोबेशन में होते हैं. और अगर डिफरेंस की बात करूं तो SBIPO में आप प्रोबेशन पे होते हैं. असिस्टेंट मैनेजर तो होते हैं लेकिन आप प्रोबेशन पे होते हैं. आपको पब्लिक डीलिंग करनी होती है लेकिन नाबार्ड में ऐसा पब्लिक डीलिंग का कोई काम नहीं है. यू हैव टू मेक नोट्स. ठीक है, हाँ इनिशियली आपके पास अथॉरिटी नहीं होती साइन वाइन करने की लेकिन विद टाइम के साथ आपके पास होता है अच्छी. तो एक्चुअली हम कंपैरिजन नहीं कर सकते SBIPO और नाबार्ड को. IBPSPO SBIPO और यहां पे भी आप असिस्टेंट मैनेजर बनते हैं और SBIPO में भी आप असिस्टेंट मैनेजर बनते हैं. तो बैंक वाले बच्चे जो ऑलरेडी 2 साल से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है. दे कैन ऑल्सो गिव द नाबार्ड एग्जाम. तो अगर हम बात करें असिस्टेंट मैनेजर इज ग्रेड ए एंड द रजिस्ट्रेशन आर फ्रॉम 18 जुलाई टू 7th अगस्त. तो 7 अगस्त तक आपके रजिस्ट्रेशन खत्म हो रहे हैं. 7 अगस्त तक. 7th अगस्त इज द लास्ट डेट फॉर द रजिस्ट्रेशन. और फिर हम बात करें ऑनलाइन भरा जाने. हाँ, 18 जुलाई से 7 अगस्त रजिस्ट्रेशन डेट है. और नाबार्ड का एग्जाम जो है आपके प्रीलिम्स लाइक डिफरेंट फेजेस में होता है. फेज वन जिसको हम प्रीलिम्स बोलते हैं, प्रीलिम्स. फेज टू की बात करें दैट इज मेंस एंड फाइनली अगर इंटरव्यू ऑफ आई थिंक 50 मार्क्स का इंटरव्यू है. तो ये भी डिफरेंट फेज में एग्जाम होता है. और प्रीलिम्स का यहाँ पे हमारे पास डेट भी दिया हुआ है कि 7 सितंबर को हमारे पास प्रीलिम्स एग्जाम है. दैट मीन्स वी हैव 40 to 45 days टू प्रिपेयर फॉर द प्रीलिम्स. राइट, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम बात करें असिस्टेंट मैनेजर के लिए, ये वैकेंसीज वगैरह देख लेना टोटल कितनी वैकेंसी हैं हमारे पास. और सो वी हैव टोटल 63 वैकेंसीज. वी हैव टोटल 60, ये टोटल की बात करें 63 वैकेंसीज फॉर द अनरिजर्व कैटेगरी. राइट, और एक बैकलॉग वैकेंसी भी है. बैकलॉग वैकेंसी जो पुरानी वैकेंसीज हमारे पास होती हैं. राइट, और फिर हम बात करें ये रिजर्वेशन क्राइटेरिया एंड ऑल, यू कैन चेक इट आउट. हाँ, अगर हम क्वालिफिकेशंस की बात करें कि एकेडमिक क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए और फॉर द जनरल पोस्ट RDBS फॉर द जनरल पोस्ट RDBS इज रूरल डेवलपमेंट बैंकिंग सर्विस. देखो दिस इज अगेन अ बैंकिंग सर्विस. ठीक है, तो नोटिफिकेशंस का वीडियो बनाने का पर्पज यही है कि बैंक वाले जो स्टूडेंट जो अब तक सिर्फ बैंक की प्रेपरेशन करते थे दे कैन ऑल्सो लुक फॉर द बेटर अपॉर्चुनिटी कि और भी अपॉर्चुनिटी हमारे पास एग्जिस्ट करती है. नाबार्ड, RBI, SIDBI, SEBI एक्सेट्रा. ठीक है, तो RDBS फॉर द जनरल पोस्ट के लिए हमारे पास एकेडेमिक क्वालिफिकेशन है. लाइक जनरल के लिए हमारे पास जनरल इज फॉर द बैचलर डिग्री इन एनी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी. अगर आप ग्रेजुएट हैं तो यू कैन अप्लाई. और अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन है MBA, PGDM विद अ मिनिमम 55% मार्क्स और PhD फ्रॉम इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन देन दे कैन अप्लाई फ्रॉम द जनरल कैटेगरी फॉर द जनरल पोस्ट इन RDBS रूरल डेवलपमेंट बैंकिंग सर्विस.
फिर उसके बाद जिन्होंने एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में अपनी ब्रैचलर्स की है, फिशरीज में की है, फॉरेस्ट्री में की है, एंड प्लांटेशन हॉर्टिकल्चर, सिविल इंजीनियर कैन ऑल्सो अप्लाई, एंड जिनकी फाइनेंस में बीबीए वाले बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं, जिनकी कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में बैचलर्स है दे कैन ऑल्सो अप्लाई, राइट। देन डेवलपमेंट मैनेजर। फिर उसके बाद अलग दूसरी कैटेगरी है हमारे पास राजभाषा। राजभाषा में क्या है, यू मस्ट हैव बैचलर डिग्री इन हिंदी और इंग्लिश मीडियम, राइट। फ्रॉम ये लैंग्वेज की बात करें क्योंकि राजभाषा भाषा इज अ लैंग्वेज, और मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए हिंदी में या इंग्लिश में। यू कैन इजिली चेक द एलिजिबिलिटी, एकेडेमिक एलिजिबिलिटी। फिर ये थोड़ा नेचर ऑफ वर्क बताया हुआ है कि इस डिसिप्लिन में नेचर ऑफ वर्क क्या होता है, आपका काम क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। तो असिस्टेंट मैनेजर मैंने आपको बता ही दिया, एग्जैक्टली एसबीआई पीओ के लेवल की पोस्ट है, वहाँ पे भी आप असिस्टेंट मैनेजर हैं, वहाँ भी आप असिस्टेंट मैनेजर हैं। बैंक एसबीआई बैंक में आप प्रोबेशन पे होते हैं, लेकिन यहाँ पे पब्लिक, वहाँ पे आपको पब्लिक डीलिंग करनी होती है, लेकिन यहाँ नहीं करनी होती, ठीक है। क्योंकि ये रूरल, बेसिकली नाबार्ड फोकस ऑन द रूरल डेवलपमेंट एंड एग्रीकल्चर सेक्टर पे ज़्यादा फोकस करता है, तो इसलिए आपको ग्रासरूट लेवल पे काम करना होता है, ठीक है। और फिर ये एज की बात करें तो 21 से 30 हमारी एज, द एज मस्ट बी 21 टू 30 ईयर्स, राइट। तो ऐसा कोई एज का इशू है नहीं। हाँ, तो दिस इज इम्पोर्टेंट सेक्शन। तो पैटर्न की बात करें तो पेपर पैटर्न की बात, प्रीलिम एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर फॉर द ग्रेड ए, आरडीबीएस एंड राजभाषा, इसके लिए एग्जाम स्ट्रक्चर क्या है। प्रीलिम्स की बात करें, जब हम प्रीलिम्स की बात कर रहे हैं तो आपके पास बेसिकली यू कैन सी दैट यहां पे 8 टेस्ट है, 8 सेक्शन है। कौन कौन से, रीजनिंग, इंग्लिश लैंग्वेज, कंप्यूटर, क्वांट, डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग इज नथिंग बट द एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ रीजनिंग, ठीक है। डिसीजन मेकिंग करेंगे हम डील इससे भी। एंड देखो, आज से 2 साल पहले क्या होता था, नाबार्ड जब अपना नोटिफिकेशन निकालता था तो जो बैंक के बच्चे हैं वो काफी बैंक की प्रेपरेशन कर रहे हैं काफी टाइम से, वो इजिली क्रैक कर लेते इस एग्जाम को। देन नाबार्ड रियलाइज की बच्चे, बैंक वाले बच्चे इजिली क्रैक कर रहे हैं, मतलब वो रीजनिंग अच्छा, उनका रीजनिंग अच्छा है, इंग्लिश अच्छा है, कंप्यूटर अच्छा है, क्वांट अच्छा है, जनरल अवेयरनेस अच्छा है, डिसीजन मेकिंग अच्छा है। तो वो इकोनॉमिक सोशल इश्यू, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट जो लास्ट के 2 हमारे पास टेस्ट है, इन पे तो फोकस ही नहीं कर रहे, और नबार्ड तो फोकस ही इन्हीं 2 चीज पे करता है, राइट। इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यू विद द स्पेशल फोकस ऑन रूरल इंडिया, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट विद एम्फेसाइज ऑन रूरल इंडिया। तो फिर नबार्ड ने अपने एग्जाम पैटर्न में चेंज किया, उसने क्या किया, जो हमारे पहले 5 टेस्ट हैं उसको क्वालिफाइंग नेचर का रख दिया, और जो बाकी के 3 टेस्ट हैं, जनरल अवेयरनेस, इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यू, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, उनको मेरिट बेस पे कर दिया। लाइक आपको पहले 5 सेक्शन में सिर्फ क्वालिफाइंग होना है, और बाकी के 3 सेक्शन में आपको मेरिट स्कोर करनी है, आप ज़्यादा से ज़्यादा कितना हायर स्कोर कर सकते हैं। एंड प्रीलिम्स में सिलेक्शन, प्रीलिम्स क्लियर लास्ट के 3 टेस्ट की बेस पे होगा। तो देखो, स्पेशली मेंशन भी किया इसने कि क्वालिफाइंग सेक्शन कौन सा है, रीजनिंग, इंग्लिश, कंप्यूटर, क्वांट एंड डिसीजन मेकिंग इज ऑफ क्वालिफाइंग नेचर। और मेरिट किन किन पे बेस पे बनेगी, योर जीए, जनरल अवेयरनेस, इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज, इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज आल्सो नोन एज ईएसआई, इकोनॉमिक एंड, जब भी मैं आपको कहूँ कि इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज है तो दैट मीन इट इज ईएसआई इज इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज। फिर मैं कहूँ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट की मैं बात करूँ, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, तो दिस इज कॉल्ड एआरडी, इन शॉर्ट एआरडी, ठीक है। नेक्स्ट टाइम मैं अगर यूज करूँ कि ईएसआई, समझ जाना इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज, एंड अगर एआरडी यूज करूँ तो एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो हमारे पास रीजनिंग, इंग्लिश, कंप्यूटर, क्वांट और डिसीजन मेकिंग क्वालिफाइंग नेचर के हो गए। यू जस्ट हैव टू क्वालिफाई द इंडिविजुअल कट ऑफ्स, हर टेस्ट की इंडिविजुअल कट ऑफ होती है, राइट। जैसे इंग्लिश की बात करूँ तो लास्ट ईयर आई एम नॉट श्योर कुछ 11 के अराउंड, 11 पॉइंट समथिंग कुछ कट ऑफ थी आउट ऑफ 30, और बाकी 3 सेक्शन हमारे मेरिट बेस होते हैं। तो क्वेश्चन की बात करें, रीजनिंग के 20 क्वेश्चन है ऑफ 20 मार्क्स, इंग्लिश 30 क्वेश्चन ऑफ 30 मार्क्स, कंप्यूटर 20 क्वेश्चन ऑफ 20 मार्क्स, क्वांट इज अगेन 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स, डिसीजन मेकिंग 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स, ठीक है। फिर हमारे पास जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चन आते हैं 20 नंबर के, एंड इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज के 40 क्वेश्चन आते हैं 40 मार्क्स के, और अगेन एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के भी 40 क्वेश्चन आते हैं 40 मार्क्स के, ठीक है। और इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यू में भी अगर मैं बात करूँ तो
हमारे पास रिपोर्ट्स होती हैं, स्कीम्स होती है, रैंक होती है. तो बेसिकली इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज स्टैटिक पोर्शन से ज्यादा करंट पे फोकस करते हैं, राइट. बट यू जस्ट हैव टू प्रिपेयर फॉर द स्टैटिक पोर्शन ऑल्सो. आपको स्टैटिक पोर्शन भी प्रिपेयर करना है वाइल एम्फेसाइजिंग ऑन द करंट अफेयर्स. तो आपने क्या देखा कि 200 क्वेश्चंस आएंगे हमारे पास ऑफ 200 मार्क्स. लैंग्वेज विल बी हिंदी एंड इंग्लिश, और इंग्लिश लैंग्वेज तो डेफिनेटली इंग्लिश में होने वाला है. फिर हम बात करें टाइम. देखो बैंकिंग में क्या होता है, हर एक इंडिविजुअल सेक्शन के लिए अलग टाइम होता है, लेकिन यहाँ पे क्या दिया है इन्होंने, कंपोजिट टाइम दिया 120 मिनट्स का, 2 घंटे का. आप कुछ भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, कैसे भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, काफी अच्छी बात है, ठीक है. अब प्रिपेयर कैसे करना है प्रीलिम्स, ठीक है. अब जो बैंकिंग वाले बच्चे हैं, देखो अभी बैंक का फ्लो शुरू हो चुका है, अब जो 2 महीने से 3 महीने से 6 महीने से तैयार कर रहे हैं, आई विल सजेस्ट कि आप नाबार्ड की प्रिपरेशन अगर ना करें तो बेटर है, अदरवाइज यू कैन, राइट. और जो बच्चे 1 साल 2 साल से बैंकिंग प्रिपेयर कर रहे हैं, देन दे हैव द गुड होल्ड ऑन रीजनिंग, गुड होल्ड ऑन 5 or 6 टेस्ट, दे जस्ट हैव टू प्रिपेयर इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यू, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट. क्योंकि अभी हमारे पास 7 सितंबर को प्रीलिम्स एग्जाम है, तो आपके पास इनफ टाइम है. आप कुछ देखो कुछ नया पढ़ो ना, इंटरेस्ट भी आता है. आप वही पढ़े जा रहे हो रीजनिंग इंग्लिश, ठीक है, बट डोंट टेक रिस्क, बताया ना आपको, क्योंकि अभी बैंकिंग एग्जाम का फ्लो है, तो रिस्क मत लीजिए. अगर कोई शक्तिमान है हमारे यहाँ बीच, देन ही कैन गो फॉर द इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यू, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, अदरवाइज आप स्कीप कर सकते हैं. आई विल सजेस्ट कि आप कुछ नया पढ़िए, आप नाबार्ड का एग्जाम दीजिए, आप नाबार्ड प्रिपेयर करिए, अनलेस आप फेल हो रहे हैं या पास हो रहे हैं, ठीक है. कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए. हमारे टाइम पे क्या होता था, हमें सिर्फ पता होता था सिर्फ बैंकिंग, हमें सिर्फ बैंकिंग प्रिपेयर करना है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के बारे में पता नहीं होता था, इंश्योरेंस एग्जाम के बारे में नहीं पता होता था. तो ये एक लैग पॉइंट था. तो मैं नहीं चाहता कि आप लोगों के साथ भी ऐसी कोई कंडीशन बने. तो स्ट्रेटेजी सिंपल, जस्ट 40 to 45 days, व्हाट यू हैव टू डू इज इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यू, एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट, बस. और कुछ नहीं करना. जो बैंक के बच्चे ऑलरेडी ये कर चुके हैं, जो नए बच्चे हैं वो रिस्क ना लें, ठीक है. क्वालिफाइंग नेचर और मेरिट की बात हमने कर ली. नाउ अब मेंस एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं. मेंस एग्जाम पैटर्न, देखो मेंस एग्जाम जनरल स्ट्रीम के लिए हम बात करें, असिस्टेंट मैनेजर फॉर द जनरल स्ट्रीम, तो पेपर 1 इज डिस्क्रिप्टिव, ऑनलाइन डिस्क्रिप्टिव. ऑनलाइन का मतलब यू हैव टू टाइप ऑन द कंप्यूटर विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड, राइट. जनरल इंग्लिश में क्या आते हैं, आपके पास 3 क्वेश्चन होंगे 100 मार्क्स के, और 90 मिनट्स का टाइम होगा, 90 मिनट्स का टाइम, और डिस्क्रिप्टिव आंसर टू बी टाइप यूजिंग कीबोर्ड. और कुछ नहीं है इसमें, एसेज आएंगे, प्रेसे आएंगे, समथिंग, ठीक है, वो इजिली आप कर सकते हैं. फिर उसके बाद हमारे पास अगेन आ गया ESI and ARD. देखिए, दिस इज अगेन पेपर 2 इज ESI and ARD, बट यहां पे क्या होगा, लास्ट प्रीलिम्स इज कंप्लीटली योर ऑब्जेक्टिव. बट यहां पे क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव भी होगा आपके पास और डिस्क्रिप्टिव भी होगा. ऑब्जेक्टिव के 30 क्वेश्चन ऑफ 50 मार्क्स एंड आधे घंटे का टाइम है आपके पास, और डिस्क्रिप्टिव में आपको 6 क्वेश्चन दिए जाएंगे जिसमें से आपको 4 अटेम्प्ट करने हैं, राइट. और 2 of 15 marks each with difficulty level and 2 of 10 marks each. ऑलरेडी दे दिया कि डिफिकल्टी लेवल क्या होगी, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है. तो 50 नंबर के क्वेश्चन होंगे, आपको 6 में से 4 अटेम्प्ट करने हैं, आधे घंटे का टाइम होगा, एंड द डिस्क्रिप्टिव आंसर्स टू बी टाइप यूजिंग कीबोर्ड इधर इन इंग्लिश और हिंदी, ठीक है. हिंदी में भी लिख सकते हैं आप, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं. फिर ये अदर स्पेशलिस्ट पोस्ट के लिए आप चेक कर सकते हैं, स्ट्रीम स्पेसिफिक हो गया, ठीक है. जनरल के लिए तो ये था स्ट्रीम स्पेसिफिक, जो हमने स्ट्रीम पढ़ी कि सिविल इंजीनियर वालों के लिए, फाइनेंस वालों के लिए, दैट द स्ट्रीम स्पेसिफिक. अदरवाइज जनरल पेपर सेम है और बाकी पैटर्न भी सेम है, और वो स्ट्रीम के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है, राइट. और फिर हमारा राजभाषा के लिए भी आई थिंक है, राजभाषा के लिए भी ये भी स्ट्रीम स्पेसिफिक, हिंदी और इंग्लिश, वट एवर. एंड देन फाइनली इंटरव्यू हमारे पास, देन फाइनली इंटरव्यू इज ऑफ 50 मार्क्स, ठीक है. इंटरव्यू इज RDBS एंड राजभाषा, करेक्ट. और फिर हम बात करें, ये कुछ दिया हुआ रेशियो की, कोलिंग रेशियो क्या होगा, इतने बच्चे प्रीलिम्स क्लियर करेंगे, इतने मेंस क्लियर करेंगे, पेनल्टी है, आप चेक कर लीजिएगा अपने आप. एंड नाउ कम टू द सिलेबस पोर्शन, राइट. सिलेबस पोर्शन,
देखो सिलेबस की बात करें तो इंग्लिश का सिलेबस इन्होंने दे दिया कि इंग्लिश में एसे है, प्रेस राइटिंग है, कॉम्प्रिहेंशन है, बिजनेस ऑफिस कोरोस्पोंडेंस, और फिर हमारे पास मेन क्या है, बैंकिंग से कैसे डिफरेंट है ये एग्जाम, सिर्फ दो कॉन्सेप्ट में, फर्स्ट इज इकोनॉमिक एंड सोशल इशू एंड सेकेंड इज एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, राइट। आपको सिर्फ दो ही सब्जेक्ट प्रिपेयर करने हैं, तो इकोनॉमिक एंड सोशल इशूज बेस्ड ऑन इकोनॉमी, इकोनॉमी यू कैन प्रिपेयर लाइक कहीं से भी प्रिपेयर कर सकते हैं आप, रमेश सिंह पढ़ सकते हैं, एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं, मुन्नाल के लेक्चर देख सकते हैं उन यूट्यूब, और सोशल इश्यूज है तो इकोनॉमिक और सोशल इश्यू, एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट मैंने आपको पहले ही बताया, आपको सिर्फ स्कीम्स रिपोर्ट्स रैंकिंग पे ज़्यादा फोकस करना है क्योंकि दे आर द मोस्ट स्कोरिंग चैप्टर्स एज एज फॉर एज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आर कंसर्न, राइट। फिर एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट का काफ़ी लंबा चौड़ा सिलेबस दिया हुआ है, देन ठीक है, यू कैन चेक दैट वाटर रिसोर्सेज, फिशरीज, फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एसेट्रा एसेट्रा, रूरल डेवलपमेंट का हमारे पास ये हो गया, एंड दिस इज द ट्रेनिंग सेक्शन, कुछ नहीं है। हाँ, और ये फिर एग्जाम सेंटर्स की बात कर रहे हैं, एग्जाम सेंटर्स कहाँ हैं हमारे पास, गोवा का पणजी में है, एंड हरियाणा की बात करें फरीदाबाद, गुड़गांव, अम्बाला, दिल्ली की बात करें दिल्ली एन सी आर, दिल्ली वेयर, दिल्ली एन सी आर, अरे बिहार, गोवा, चंडीगढ़, चंडीगढ़ की बात करें चंडीगढ़, मोहाली, फिर हाँ न्यू दिल्ली की बात करें तो न्यू दिल्ली में दिल्ली एनसीआर आ गया हमारे पास, ठीक है, ये एग्जाम सेंटर्स हो गए। फिर यू कैन चेक, यू कैन इजीली चेक दैट, यू कैन गो थ्रू मेंस के एग्जाम सेंटर्स हो गए हमारे पास कहाँ कहाँ हैं, देन एप्लीकेशन फ़ी की अगर बात करें, एप्लीकेशन फीस फॉर एस सी एस टी देर इज़ नो एप्लीकेशन फीस, जस्ट द इंटीमेशन चार्जेस, जीएसटी वगैरह होगा, एंड 650 इज एप्लीकेशन फी फॉर द जनरल ईडब्ल्यूएस अदर कैटेगरीज, और टोटल 150 फॉर द एससी एसटी कैटेगरी एंड 800 ये आपके पास फी है फॉर द जनरल कैटेगरी एंड अदर कैटेगरीज, ठीक है। एंड देन पे स्केल की बात करें, देखो अपने आप चेक कर लेना क्या सैलरी है, क्या एम्यूलमेंट है, ठीक है, एंड हाउ टू अप्लाई, दीज आर द जनरल इंस्ट्रक्शन, द प्रोसीजर टू अप्लाई, जस्ट अप्लाई इट एज सुन एज पॉसिबल, और देन आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, दैट्स इट। सो द लास्ट डेट इज 7th of August, अप्लाई बिफोर द 7th August इफ पॉसिबल, ठीक है। अब हमने जॉब प्रोफाइल डिस्कस कर ली, नोटिफिकेशन डिस्कस कर लिया, नाउ कम्स कि प्रिपेयर कैसे करने हैं प्रीलिम्स, हमने प्रीलिम्स डिस्कस कर लिया कि हाउ वी हैव टू प्रिपेयर प्रीलिम्स। देखो अभी नोटिफिकेशन आया, देन वी हैव 40 to 45 minutes फॉर द 40 to 45 days, सॉरी अप्रोक्स फॉर द प्रीलिम्स। तो प्रीलिम्स में सिर्फ जो बैंकिंग के बच्चे ऑलरेडी प्रिपेयर कर चुके हैं, बैंकिंग एक साल से प्रिपेयर कर रहे हैं या 7-8 महीने से प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उनको सिर्फ सोशल एंड इकोनॉमिक इशू एंड एआरडी एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट ही प्रिपेयर करना है। फिर जब जैसे ही प्रीलिम्स खत्म होता है, और प्रीलिम्स में जस्ट फोकस फॉर द ऑब्जेक्टिव पोर्शन, नॉट डिस्क्रिप्टिव, ठीक है, ऑब्जेक्टिव। फिर जैसे ही हमारा प्रीलिम्स खत्म हो जाए, आप थोड़ा इंग्लिश पे काम कीजिए, आप ऐसे लिखिए, प्रेस से लिखिए, और अब डिस्क्रिप्टिव पोर्शन पकड़ लीजिए ईएसआई एंड एआरडी का, अब डिस्क्रिप्टिव तैयार कीजिए। देखो प्रीलिम्स और मेंस के बीच में अप्रोक्स 45 to 50 days आपको मिलने वाले हैं, 45 से 50 दिन मिलने वाले हैं, दैट्स इनफ टाइम टू प्रिपेयर फॉर द डिस्क्रिप्टिव पोर्शन, और विथ स्पेशल फोकस ऑन करंट अफेयर्स, रैंकिंग स्कीम्स एंड रिपोर्ट्स, एंड देन फाइनली इंटरव्यू। तो दिस इज द स्ट्रेटेजी, ठीक है, एंड टिल देन थैंक यू, एंड मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, बाय बाय।